आइएगा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल फंटेसी दूरदर्शन पे। अपन लोग इस वीडियो में बात करें एक शानदार मुकाबला के बारे में। क्रिकेट सेक्शन जे मुकाबला ACC T10 मोबाइलों का मुकाबला होगा, जो कि अरीना वर्सेस अरीना क्रिकेट क्लब के बीच में खेला जाएगा। ASF की बात करें तो अच्छा खासा जो कि हमेशा लीड में रहती है, इसके पास अच्छा खासा पेस बॉलिंग यूनिट आ जाता है, तो ASF की टीम के पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग दोस्तों टॉप ऑर्डर आ जाता है। दोनों टीमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी, जहाँ पर एक तरफा मुकाबला देखने को नहीं मिलेगा। हमारा जो मेन टारगेट है इस वीडियो में मेगा लीग पर रहेगा, जो कि 40 लाख की मेगा लीग होने वाली है। इसके अलावा बात करेंगे दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में या बैटिंग ऑर्डर के साथ मैं आपको बताने वाला हूं, और बात करेंगे की प्लेयर्स के बारे में। इसके अलावा अपन लोग आपको बताएगा स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग टिप्स के बारे में, जहां पे जो पिच है वो दोस्तों ज्यादा दोस्तों पेस बॉलिंग को सपोर्ट करने वाली है, तो उस हिसाब से हमें टीम बनाना है। जहां पे जो सरफेस है पिच की वो आर्टिफिशियल पाई जाती है। आर्टिफिशियल पिच क्या होती है, काफी हटकर होती है इंटरनेशनल पिचेस के मुकाबला में, जहां पे थोड़ा सा बाउंस भी देखने को मिलेगा, जिसके चलते स्पिनर को लगाने की गलती आप टीम में मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देरी ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं जहाँ पे ब्रैकीपर सेक्शन के बारे में। तो जहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन बिरक, अहमद और सुल्तान, तीनों के तीनों आपको ये मुकाबला खेलते मिल जाएंगे, बाकी किसी के खेलने के चांस नहीं है। जिन्होंने भाई ने लगा रखा है तो ड्रॉप कीजिएगा। हरदीप बिरक नंबर 3 पे बल्लेबाजी करने आएंगे, बांडोन प्लेयर आ जाते हैं। लास्ट दो मुकाबले में 2 और 7 रन की पारी खेल चुके हैं, थोड़े से फ्लॉप नजर आ रहे हैं, बट दोस्तों बड़े प्लेयर हैं, किसी बात अच्छी फॉर्म में नजर आ सकते हैं। अगर आप ग्रैंड लीग बनाते हो तो हरदीप बिरक को ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जहाँ पे अहमद आ जाते हैं, जो कि 2256 रन की पारी खेल चुके हैं, 1/2 सेंचुरी लगा चुके हैं लास्ट दो मुकाबले, खुलकर खेलते हैं, बड़े स्टोक लगाते हैं, अच्छा खासा बोनस हमें दिला सकते हैं। नंबर 3 पे बल्लेबाजी करने आएंगे, नंबर 4 पे जहाँ पे सुल्तान आपको खेलते मिल जाएंगे। सुल्तान भी एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जो कि 2 लास्ट मुकाबला में 1 महीने बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला था, और दोस्तों लास्ट मुकाबला में जहां पे जे भी 55 रन की पारी खेल चुके हैं, 1/2 सेंचुरी लगा चुके हैं। दोनों का बैटिंग ऑर्डर ऊपर आ जाता है, दोनों एक अच्छी लय में नजर आ रहे हैं, क्लासिकल फॉर्म में चल रहे हैं, दोनों के साथ जाना एक समझदारी की बात रहेगी, तो जहां पर मैं दोनों को ट्राई करने वाला हूं। तो बात करते हैं अभी बल्लेबाजी सेक्शन के बारे में। बल्लेबाजी सेक्शन में जो पहले 3 प्लेयर हैं, हमें इनको जरूर अपनी टीम में लेना है। बाबर जो कि ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे दोस्तों, टॉप ऑर्डर है जो टीम ACC का काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। बाबर का क्या है कि लास्ट मुकाबले में नाटो ट्रैकर 16 रन की पारी खेल चुके हैं, बड़े स्ट्रोक लगाते हैं, किसी भी बड़े बॉलर की आंखों में आंसू ला सकते हैं। दास का बात किया तो जे दोस्तों एकमात्र ऐसा प्लेयर आ जाता है जो कि बल्ले से भी फॉर्म में चल रहे हैं और बॉलिंग में भी, तो दोस्तों बॉलिंग के जरिए भी लास्ट दो मुकाबले में 1 विकेट ले चुके हैं। इसके अलावा बल्लेबाजी से दोस्तों 91 रन बना चुके हैं लास्ट मुकाबले में, तो अच्छी पिकअप रहने वाली है। दास और बाबर दोनों को ड्रॉप करने की गलती आज के मुकाबले में आप मत कीजिएगा। अरवाजा का बात किया तो दोस्तों लास्ट दो मुकाबले में 4 विकेट निकाल चुके हैं, 1 मैच में हैट्रिक लगा चुके हैं ब्रेट के जरिए। हालांकि बल्लेबाजी करने का इन्हें मौका नहीं मिलता, इनका बैटिंग ऑर्डर नंबर 6 पे आ जाता है, काफी लेट आ जाता है, बट दोस्तों बॉलिंग के जरिए आपको अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं। अगर टॉप ऑर्डर फ्लॉप नजर आता है तो बल्लेबाजी के जरिए भी अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं। तीनों को दोस्तों आपने अपनी टीम में जरूर रखना है, तो जहां पे मैं तीनों के साथ आज की टीम के लिए तो जहाँ पे अगर ऑलराउंडर सेक्शन की बात की तो पास्तून आ जाते हैं दोस्तों। इनका जो बैटिंग ऑर्डर है काफ़ी लेट आता है, नंबर 7 पे बल्लेबाजी करने आते हैं, कम चांस रहते हैं इनके बल्लेबाजी करने के, और बॉलिंग के जरिए फ्लॉप नजर आ रहे हैं दोस्तों। कुछ खास प्रदर्शन इन्होंने बॉलिंग के जरिए भी नहीं किया, और आपको कैड के मामले में काफ़ी महंगे पड़ने वाले हैं, तो इससे अच्छा आपके लिए जहाँ पे एन ब्लॉच आ जाते हैं, नंबर 4 पे बल्लेबाजी करते मिलेंगे। इसके अलावा लास्ट मुकाबले में 42 रन के साथ 1 विकेट निकाल चुके हैं, मीडियम बॉलर आ जाते हैं, अच्छी खासी पिकअप रहने वाले, डेथ ओवर्स देखते मिलेंगे। डेथ ओवर्स में क्या आते हैं, बल्लेबाज खोल करके खेलते हैं, बड़े स्ट्रोक लगाने की गलती करते हैं, जिसके चलते ज्यादा चांस रहते हैं ब्रेक के गिरने के, तो जहाँ पे मैं तो बॉच के साथ जाने वाला हूँ। इनके साथ देने के लिए जहाँ पे जिजाई को ट्राई करेंगे और हिजाई के साथ जाने वाला हूँ, दोनों एक एवरेज प्लेयर आ जाते हैं, अच्छा खासा प्रभाव में आपको दे सकते हैं। जिजाई लास्ट दो मुकाबलों में 1 विकेट निकाल चुके हैं, तो अच्छी पिकअप रहने वाली है। हिजाई आपको मिडल ओवर का फेंकते हुए नजर आएंगे, मिडल ओवर में क्या होता है कि बल्लेबाज प्रेशर में खेलते हैं रन बनाने के चक्कर में, तो ज़्यादा चांस रहते हैं ब्रेक के गिरने के, तो दोनों को दोस्तों आप ट्राई कर सकते हैं, वरना दोनों में से किसी एक को जो ट्राई कर लीजिएगा। तो बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन के बारे में। बॉलिंग सेक्शन में जहाँ पे सिंह को ड्रॉप करते हुए मैंने जार्डन शहजाद और दोस्तों ओका खेल को ट्राई कर रखा है। लास्ट मुकाबलों में जार्डन 4, सरजत 2 और खेल 1 विकेट निकाल चुके हैं, तो तीनों आपके लिए बढ़िया पिकअप रहेगी। जहाँ पे जार्डन और शहजाद दोनों पेस बॉलर आ जाते हैं और खाल थोड़े से मीडियम बॉलर आ जाते हैं, तो दोस्तों तीनों के साथ जाना समझदारी की बात रहेगी पिच को ध्यान में रखते हुए। तो भी करते हैं मेरी पूरी टीम का प्रयोग। तो दोस्तों ये है मेरी पूरी टीम, जिसमें 2 ब्रेक पर 3 बल्लेबाज 3 ऑलराउंडर 3 बॉलर्स मैंने लगा रखे हैं। तो जहाँ पे अगर कैप्टनशी ऑप्शन की बात की तो दोस्तों कैप्टनशी में हमारे पास एन ब्लॉच एक बढ़िया पिकअप रहेगी, वरना दोस्तों अगर हेड टू हेड खेलते हैं उसके लिए दास और बाबर दोनों को आप ट्राई कर सकते हैं, वाइस और कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। तीसरी बड़ी ऑप्शन जहाँ पर रवाजी आ जाते हैं, रवाजी को भी एज ए कैप्टन जो ट्राई कीजिएगा, इन चारों में से किसी को भी कैप्टन और किसी को भी वाइस कैप्टन आप लगा सकते हैं। फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम पे जरूर वेट कीजिएगा, जैसे ही लाइन आप शॉर्ट हो जाएगी तो फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। थैंक यू दोस्तों।